अस्सलाम वालेकुम तो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ तो खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो वैकेंसी मैं अपडेट करने वाला हूँ ये बहरीन का है, और इसमें ऑपरेटर और हाईवे ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर, उसके बाद में सॉल ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, स्कूटर ऑपरेटर, बोपकार्ड ऑपरेटर और ग्राइंडर ऑपरेटर, ये सारी रिक्वायरमेंट है इस कंपनी को, जो मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि सैलरी क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, पासपोर्ट कौन सा चलेगा, फ्रेशर चाहिए कि रिटर्नर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में इंटरव्यू होगा कि सीवी सिलेक्शन होगा, ये सारा चीज़ मैंने बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना, अगर यही जॉब आप सर्च कर रहे थे तो पूरा पहले समझ लेना, ड्यूटी, सैलरी, हर चीज़। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट मैं कैसा कैसा बोलूँगा वो हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ठीक है। तो वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। बेरिन की कंपनी है, उसको जो है ना मतलब हाईवे ड्राइवर चाहिए जिसका सैलरी 120 बहरीनी दिनार है, प्लस 4 घंटा फिक्स ओवर टाइम है। उसके बाद सावल ऑपरेटर है, इसका सैलरी 110 बहरीनी दिनार, प्लस 4 घंटा ओवर टाइम है। स्कूटर ऑपरेटर चाहिए जिसका सैलरी 120 बहरीनी दिनार है और 4 घंटा ओवर टाइम है। उसके बाद में बोपकार्ड ऑपरेटर चाहिए जिसका सैलरी 110 है बहरीनी दिनार और प्लस 4 घंटा ओवर टाइम है, ठीक है। और गार्डनर ऑपरेटर चाहिए जिसका सैलरी 130 दिनार है, इसका सैलरी 130 से 140 दिनार तक है, ठीक है, प्लस 4 घंटा ओवर टाइम। अब ये जो गार्डनर वाले का 130 से 140 जो बताया है कंपनी, इसमें इसका एक्सपीरियंस जैसा होगा, डॉक्यूमेंट जाएगा जब जितना उसका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से क्या नाम है सैलरी फिक्स करेगा। बस इसमें क्या है ना कि मतलब इसके अंदर ऑफर लेटर देगा, डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसके बाद में ऑफर लेटर देगा कंपनी, तो उसमें सारा चीज़ लिखा रहेगा कि सैलरी तुम्हारा कितना लगा है। फिर उसके बाद में आपको जाना रहेगा तो मेडिकल करना, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा। बस इसके अंदर ये है, सैलरी यही है, और इसके अंदर जो है ना टू टू ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, और ड्यूटी इसमें है, ड्यूटी इसके अंदर है, इस कंपनी में ड्यूटी कितना मेंशन किया है, ड्यूटी 8 घंटे का है, ठीक है, 8 घंटा ड्यूटी है, 4 घंटा ओवर टाइम है, हफ्ते दिन छुट्टी है, छुट्टी दिन करोगे तो आपको अलग से मिलेगा। कंपनी बहुत बड़ी है ये, और इसमें ओवर टाइम चलता ही चलता है, फिक्स है ओवर टाइम ये 4 घंटा, तो 4 हर्ष तो ये फिक्स है, यानी आप करो, अगर आप बोलोगे मैं नहीं करूँगा तो भी करना होगा क्योंकि काम इस कंपनी में बहुत सारा होता है। और एग्रीमेंट में भी 4 घंटा, एग्रीमेंट पे भी सैलरी और ओवर टाइम 4 हर्ष एग्रीमेंट पे भी लिख के आएगा, ठीक है, एग्रीमेंट भी करके मतलब कंपनी देगी, यानी 4 घंटा ओवर टाइम चलेगा ही चलेगा। बहुत से बोलते हैं यार ओवर टाइम पता ना रहे तब देगा कंपनी, नहीं देगा तब देगा, इस कंपनी में ओवर टाइम चलना ही चलना है और आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप इस जॉब को अप्लाई करते हो तो इसमें ओनली रिटर्नर बंदे अप्लाई कर सकते हैं, ये जो कैटेगरी बताया हूँ, हाईवे ड्राइवर, सावल ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, स्कूटर ऑपरेटर, बोपकार्ड ऑपरेटर, गार्डन ऑपरेटर, और इसमें सिर्फ रिटर्नर जो गल्फ से यानी इंडिया के बाहर की कंट्री से कहीं से भी हो, जॉब करके रिटर्नर आया हो और उस कंट्री का इसके पास में लाइसेंस हो और लाइसेंस वैलिड हो, ठीक है, ये चेक कर लेना। अगर आपके पास में लाइसेंस वैलिड है, आप कोई भी कंट्री से जहाँ से आए हुए हो वहाँ का आपके पास लाइसेंस है, चाहे फोटो कापी भी रहेगा जब भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड कॉपी ही होना चाहिए, फोटो कापी भी चलेगा लेकिन वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड है आपका तो आप इस जॉब में जैसा जैसा अभी बताऊंगा डॉक्यूमेंट ऐसा रेडी करके उसके बाद में आपको भेजना रहेगा, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट में क्या करना है, पासपोर्ट फर्स्ट और लास्ट पेज स्कैन करवाना है, पहले सारा डॉक्यूमेंट लेके कोई कंप्यूटर की दुकान पे जाना है जहाँ फोटो कापी भी करते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी बंदे व्हाट्सएप पर मैसेज मेरे को मोबाइल से फ़ोटो ही खींच के करते रहते हैं और आके वहाँ पर पूछते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट जैसा मैं बताऊँगा मेन यही है डॉक्यूमेंट, कि आपको अगर इसमें जाना है तो डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है। पासपोर्ट ले लेना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, वैक्सीन का रिपोर्ट ले लेना है, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले लेना है, इंडिया की ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ठीक है, और अपने नज़दीक में जहाँ कंप्यूटर का दुकान होता है जो फोटो कापी भी करते हैं उनके पास जाना है। पहले आपको सीवी बना लेना है, उसको बताने के भाई मेरे को सीवी बनाना है, सीवी जो रिज्यूम होता है बाई डाटा, ठीक है, और पूछेगा वो लोग क्या किस चीज़ का बनाएगा, बनाना है, किस में जाना है, तो आपको बता देना है जिस आपका जो प्रोफाइल है, जो जॉब जिस जॉब में जाना चाह रहे हो, जैसा ऑपरेटर हो, हाईवे ड्राइवर हो या सावल ऑपरेटर हो, तो उसको बता देना है कि मतलब मैं सावल ऑपरेटर हूँ या हाईवे ड्राइवर हूँ,
और गल्फ में जो भी कंट्री से आप रिटर्न हो वो बता देना है। इतना साल में गल्फ का मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये कंपनी में काम किया हूँ इतने साल तक, और इंडिया में इतने साल से मैं चला रहा हूँ। टोटल मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का है, ना 30 साल का है, ना 4 साल का है, ना 5 साल का है, जो भी है जब से आप ऑपरेटिंग कर रहे हो ये ड्राइविंग, तो वो आपको डालना है उसके अंदर। और आपका जो पढ़ाई लिखाई करे हो, जो एजुकेशन है आपका, वो डालना है और CV के अंदर डलवाना है। वो तो पूछेगा आपको पूरा, मतलब जो बनाएगा CV, जो भी दुकान वाला आपका कंप्यूटर दुकान वाला जो भी बनाएगा, वो आप लोग से पूछेगा, वो सारा चीज़ आपको इसके अंदर लिखा देना है। मतलब कहाँ कहाँ काम करे, कितने साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उनसे बता के लिखाना है आपको, याद से लिखाना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर पासपोर्ट स्कैन कर लेना है फर्स्ट लास्ट पेज, और जो कंट्री से आप रिटर्न हो उस कंट्री का आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होगा, ठीक है, वो वीज़ा कॉपी स्कैन करा लेना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो फ़ोटो स्कैन कर लेना है। बहुत से आदमी फ़ोटो भूल जाते हैं, आपके पास फ़ोटो रेडी में नहीं रहेगा तो आप पहले फ़ोटोशॉप पे जाके फ़ोटो बनवाओ, तो फ़ोटो स्कैन करना है। उसके बाद में आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस और जो गल्फ का रिटर्न हो, जहाँ से भी रिटर्न हो आप, उस कंट्री का लाइसेंस, दोनों स्कैन करना है। अगर इंडिया का नहीं भी है तो गल्फ वाला तो करना ही करना है, लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो उसको भी साथ में स्कैन कराओ, और आपका जो वैक्सीन है वो वैक्सीन का रिपोर्ट भी साथ में अटैच कराओ, और ये एक ही PDF फाइल बनाओ, उसके बाद में अपने मोबाइल के अंदर रख लो, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको सेंड करना है। बहुत से करते हैं मोबाइल से फ़ोटो खींच के उसके बाद PDF बना के भेज देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं भेजना है। अगर आपको जाना है या खाली टाइम पास करना है तो व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज करते रहना, क्या करोगे। अगर जाना रहेगा तो वीडियो में जैसा बताया हूँ वैसे ही भेजना है, ठीक है। और अगर आपको कोई दूसरा जॉब सर्च कर रहे हो तो पुराना वीडियो जाके देख लो, पुराना वीडियो में बहुत सारा मैंने जॉब अपडेट किया हूँ जो अभी तक चल रहा है। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है ना मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे, मतलब बगैर काम का ना किया कीजिए, क्योंकि जो मेरे पास वैकेंसी होता है मैं वीडियो उसका बनाता हूँ, वैकेंसी यहाँ पे वीडियो बना के पूरा डिटेल में बता देता हूँ, इसी वजह से कि आपको कोई चीज़ पूछना ना पड़े। आपका डॉक्यूमेंट आएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो जो नॉर्मली सर्विस चार्ज है वो आपको बता दिया जाएगा। आप कंफर्म करोगे हाँ मैं ओके हूँ मैं जाऊँगा, तो आपका डॉक्यूमेंट जाएगा, डॉक्यूमेंट जाने के बाद आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ऑफर लेटर आपका ये कंपनी देगी, क्योंकि बहुत से आदमी हर काम का ऑफर लेटर मांगता है, ऑफर लेटर हर कंपनी हर चीज़ का नहीं देती, कुछ कंपनी होता है ऑफर लेटर देता है, कुछ कंपनी होता है CV सिलेक्शन करके मतलब ऐसी वीजा इशू कर देता है, तो ये कंपनी तो ऑफर लेटर दे रही है, ऑफर लेटर देगी आपको, ऑफर लेटर जाएगा, उसके बाद में आपको मेडिकल करना है, आगे का प्रोसेस फिर बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना है, कहाँ मेडिकल होगा, कहाँ जमा होगा, सारा चीज़ सेटअप बाय सेटअप बताता जाए मतलब बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, ये जो आप सर्च कर रहे हो, तो जैसा बताया वैसे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। और इसका अगर आपको डिमांड लेटर चाहिए तो ये जो नीचे FC एंटरप्राइज जो नाम लिख के आ रहा है चैनल का, ये क्लिक करो तो चैनल का होम पेज खुलेगा, फिर मेनू में देखो होम, वीडियो, प्ले लिस्ट, कम्युनिटी पेज, तो कम्युनिटी वाले पेज में जाओगे तो वहाँ पे इसका जो डिमांड लेटर है वो वहाँ पे मतलब मैं अपडेट किया हुआ हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी का आप सारा चीज़ यहीं यूट्यूब पे चेक कर लो, आप हर चीज़ क्लियर हो कि हाँ मुझे जाना है, ठीक है, सैलरी ड्यूटी लेके हर सारा चीज़ आज सही है, तो आप फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट रेडी करके आप भेजना है, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा सर्च कर रहे हो जॉब तो आप पुराना वीडियो देखो, उसमें बहुत सारा मैंने वैकेंसी डाला हूँ, और इसमें बहुत से कमेंट करते हैं कि भाई किसी का काम नहीं होता है। देखो कुछ काम होता है, अभी तो क्या है, अभी कोरोना का टाइम है तो काम कुछ कभी कभी काम होता है, कुछ कंपनी अभी होल्ड कर देती है कोई काम, या कुछ लेट लपेट हो जाता है, तो काम तो होगा लेकिन कोई जल्दी हो जाता है कुछ काम में, टाइम लग जाता है, यही है। बाकी का जो जो बंदे जा रहे हैं, जिनका जिनका वीजा आ रहा है, वो भी मैंने कम्युनिटी पेज में डाला हुआ हूँ, आप नीचे जाके मतलब चेक कर सकते हो। टिकट जो जो बंदे आए हैं, जिनका टिकट जिस चीज़ का वीज़ा निकला हुआ है, वो वीज़ा कॉपी भी मैंने अपडेट किया हूँ, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक चला रहे हो तो इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट पेज में आपको मिल जाएगा, अबाउट वाले पेज में आपको व्हाट्सएप ग्रुप वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मतलब जो डिमांड लेटर है तो अपडेट करता रहता हूँ, आप वहाँ पे भी जो फॉलो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर फॉलो सब्सक्राइब करके रखोगे और आप जो जो जॉब आप सर्च कर रहे हो अगर यहाँ पे भी नहीं है तो मेरे पास जैसे जॉब आएगा, जैसे वैकेंसी आएगी मैं अपडेट करूँगा। सब्सक्राइब करके रखोगे, फॉलो करके रखोगे तो नोटिफिकेशन जाएगा तुरंत, आप आके पहले जो जॉब सर्च करो, कभी भी मैं वैकेंसी जब अपडेट करूँ तो आप आके वहाँ व्हाट्सएप पे पूछना नहीं रहता न, पूछा ना करो, यहीं आके पहले चेक कर लिया करो, अगर आपके लायक रहे, आप सोचो कि हाँ मतलब ये मेरे लायक है जॉब, मैं इसको अप्लाई करूँ, तो यही सारा चीज़ सोच समझ के, ड्यूटी, सैलरी और डॉक्यूमेंट कैसा चाहिए सारा चीज़ बता देता हूँ, इस हिसाब से आप पहले यहीं सब देख लो,
और डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर भेजना है मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का, नहीं तो लिंक साथ में शेयर कर दो, नाम बताओ, मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ पे वीडियो देखा था और इस काम में मैं जाना चाह रहा हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट मैं जब भी मैसेज देखूंगा चेक करूंगा, अगर डॉक्यूमेंट आपका ओके है तो आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी का वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करके बताना, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।